नमस्कार दोस्तों, आज आर्थिक भूगोल विषय के बारे में हम पढ़ेंगे। बीए फोर्थ सेमेस्टर, सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है आपका पेपर है, और इस पेपर के बारे में हम बात करेंगे। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की परिभाषा क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो डेफिनेशन इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, मानव के आर्थिक क्रियाकलाप, जो भी अपने जीने के लिए मानव पैसे कमाने के लिए जो क्रियाकलाप करता है, उन पर भौगोलिक वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इसका वर्णन करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं और फिर इसका वर्णन करते हैं। तो मानव के आर्थिक क्रियाकलाप पर भौगोलिक वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में करते हैं। तो ये अपने सिलेबस में पहले, सबसे पहले जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की परिभाषा यानी डेफिनेशन, और फिर देखते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी के संकल्प। एक्चुअल में इकोनॉमिक ज्योग्राफी की संकल्पना क्या है, कॉन्सेप्ट। अब इसका अर्थ समझते हैं, संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, किसको कहते हैं संकल्पना? काफ़ी लोग समझते होंगे कि ये विचार तो संकल्पना किसे कहते हैं, संकल्पना क्या होती है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में, एक 10 लोग हैं और उस व्यक्ति को स्टडी करते हैं, उसको अच्छी तरह से देखते हैं, जानते हैं और उसके बारे में अपनी राय कायम कि आखिर वो व्यक्ति है क्या। और 10 व्यक्ति ने देखा, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग राय कायम की कि आखिर ये व्यक्ति है क्या, और फिर उसके बारे में बताया। तो 10 व्यक्ति की अलग अलग राय, यानी 10 व्यक्ति की अलग अलग धारणाएं उसके बारे में बने। तो इसी प्रकार से जब इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखते हैं, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कई ग्रुप्स हैं, स्कॉलर्स के कई ग्रुप्स हैं। तो आखिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी है क्या, तो अलग अलग ग्रुप्स यानी संगठन, स्कॉलर्स के, टीचर्स के, भूगोलवेत्ताओं के, तो सब लोग अपनी अपनी बात बताते हैं कि ज्योग्राफी आखिर है क्या, ज्योग्राफी में हम करते क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आखिर है क्या। इसको कॉन्सेप्ट कहते हैं कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट यानी धारणा क्या। तो उन्होंने इकोनॉमिक ज्योग्राफी की स्टडी की, फिर उसके बारे में बताया कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी है क्या। तो अलग अलग ग्रुप्स ने अलग अलग बारे में अलग अलग तरीके से बताया कि आखिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी करती क्या है। और फिर जब हमने उसके बारे में सारा निचोड़ देखा, सारे लोगों का निचोड़ देखा, सारे ग्रुप्स की स्टडी की, सारे ग्रुप का निचोड़ देखा, तो निचोड़ देखने के बाद फिर हमको समझ में आया कि सारी चीज़ों को इंक्लूड करके, यानी सारी ही चीज़ें जो हैं, जो जो अलग अलग धारणा हैं, सारी धारणाओं को मिला के, सारी धारणाओं को हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करें, तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है यानी धारणा। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की 11 जो है कॉन्सेप्ट, यानी 11 धारणा है, अलग अलग 11 ग्रुप्स की अलग अलग 11 धारणा है। क्या धारणा है, पहली धारणा क्या है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी करती क्या है, आखिर ये तो बताओ कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी करती क्या है या इकोनॉमिक ज्योग्राफी है क्या। तो मानव की आर्थिक क्रियाकलापों का क्षेत्रीय या स्थानिक वितरण कैसा है, अब इसके बारे में अध्ययन करती है। अब ये कहते हैं, किसी से पूछा भैया बताओ इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है, तो उसने बताया कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो मानव की आर्थिक क्रियाकलापों का क्षेत्रीय या स्थानिक वितरण, यानी मानव जो पृथ्वी की सतह पर जो अपने आर्थिक क्रियाकलाप, अपने जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए जो आर्थिक क्रियाकलाप करता है,
वो क्या है, उसका ये अध्ययन करते हैं क्षेत्रवार, यानी क्षेत्रवार अध्ययन करते हैं किस क्षेत्र में किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, किस क्षेत्र में किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, किसी क्षेत्र में सिर्फ खेती हो रही है, किसी क्षेत्र में खेती नहीं हो रही है, सिर्फ औद्योगिक कार्यकलाप हो रहे हैं, औद्योगिक क्रियाएँ हो रही हैं। तो ये सब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, ये है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। मैं कह दिया, दूसरा आदमी आया और नहीं भाई आप गलत कह रहे हैं, तो भैया तुम्हें बता दो इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है। तो वो कहते हैं कि इकोनॉमिक, चलो हम बता देते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी है क्या। तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक क्रियाओं अवस्थिति है, आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो कैसे, तो वो ये कह रहे हैं कि आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति यानी किस क्षेत्र में, अब देखिए वही बात ये भी कह रहे हैं लेकिन दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, ठीक है। तो आर्थिक क्रियाओं की जो अवस्थिति है यानी लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी क्षेत्र विशेष में क्यों होती है और उसका भौगोलिक वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में करते हैं। अच्छा, इन्होंने एक अलग बात कह दी, लगभग उसी से मिलती जुलती और पहली वाली बात से और एक अपनी अलग बात कह दी। तो ये भी एक धारणा है, कुछ लोगों की धारणा ये है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है हर क्षेत्र का क्षेत्रवार अध्ययन करती है, लेकिन कुछ लोगों की है कि कोई भी आर्थिक क्रिया किसी विशेष क्षेत्र में क्यों होती है, उस पर भौगोलिक वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन जो है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में किया जाता है। ये दो अलग अलग बातें हो गई। तो भाई हाँ ठीक है, ये भी बात सही है। तो अब एक तीसरे लोग आए, उन्होंने कहा भाई साहब आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, क्यों, एक्चुअल में इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या करती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये नहीं करती, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये करती है कि आर्थिक क्रिया तो आप ही भाई, उन्होंने कहा नहीं करती है तो आप बता दो क्या करती है, क्या इकोनॉमिक ज्योग्राफी में किया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि आर्थिक क्रियाओं की विशेषताओं का अध्ययन। अब देखिए, अब तीसरा ग्रुप है, अलग बात कह दी, वो ये कह रहे हैं कि आर्थिक क्रियाओं की क्या विशेषता है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ही क्यों होती है, इस विशेषता के लिए उसे क्या क्या चाहिए, इसका अध्ययन, यानी उस विशेष आर्थिक क्रिया के लिए उसे क्या क्या चाहिए, इसका अध्ययन हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में करते हैं। अच्छा ठीक है, तो चौथे लोग आए भैया, उन्होंने कहा कि नहीं यार हम नहीं जानते, क्योंकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये नहीं करती, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हम जो बताते हैं वो करती है। तो क्या भाई, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक क्रियाओं का अन्य परिघटनाओं से संबंध स्थापित करती है। हाँ, तो आर्थिक ज्योग्राफी जो है उसके जहाँ पर भी आर्थिक क्रियाकलाप हो रहे हैं उन आर्थिक क्रियाकलापों से भौगोलिक परिस्थितियों का क्या संबंध है और वो उस क्षेत्र विशेष में क्यों है, वहीं क्यों हो रही है, दूसरी जगह क्यों नहीं हो रही, इसका अध्ययन करती है। उसका एक दूसरे से क्या संबंध है, इसका अध्ययन करती है। तो आर्थिक ज्योग्राफी ये करती है, यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये करती है, आर्थिक भूगोल ये करती है। अच्छा भाई, मैंने कहा ठीक है आपकी बात भी सही है। तो आप पाँच में आए, कहले कहाँ सही है यार, ये तो सही है ही नहीं है, अब बात तो फिर सही क्या है ये बताओ। तो तीसरा ग्रुप ये बोला कि भाई आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण करती है, है? आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण करती है। हाँ, कैसे, तो आर्थिक ज्योग्राफी जो है, मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो आर्थिक जो क्रियाकलाप है उनका वर्गीकरण करती है, उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटती है, जैसे कि प्राथमिक उद्योग जो आर्थिक उद्योग क्रियाकलाप होते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं तो प्राथमिक उद्योग, प्राथमिक उद्योगों के बारे में बताती है, द्वितीय उद्योगों के बारे में बताती है, प्राथमिक उद्योगों को अलग रखती है, जैसे आखेट करना, मत्स्य पालन करना, ठीक है,
कृषि करना, ये सब प्राथमिक उद्योग में आता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आदिमकालीन जमाने से जो खुदाई होती है, माइनिंग होती है, मिनरल्स जमीन से निकालते हैं, आ व्यक्ति जाता है कुल्हाड़ी से खोद के लाता है, फिर ढो के लाता है, फिर वहाँ रखता है, बाहर निकालता है मिनरल्स को, तो उसको भी प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में, यानी कि प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में उसको जो है शामिल किया जाता है। तो एक वर्गीकरण ये हो गया, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो वर्गीकृत करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। द्वितीय एक्टिविटी, द्वितीय एक्टिविटी क्या होती है? द्वितीय एक्टिविटी वो होती है, द्वितीय आर्थिक क्रियाएं, यानी दूसरी आर्थिक क्रियाएं वो होती हैं दूसरे नंबर की, जिसमें किसी रॉ मटेरियल को उसका रूप बदल कर उसे दूसरी वस्तु में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, जैसे कपास अगर उग रही है तो कपास रॉ मटेरियल है, किसान ने उगाई, तोड़ के बाजार में बेच दी रुई को, जब रुई को उन्होंने बेच दिया तो बात यानी कॉटन, जब रुई को उन्होंने बेच दिया तो व्यापारी आया, वो रुई को ले जाकर अपनी मिल में ले गया और मिल में बैठ के उसने कपड़ा बना दिया। कपड़ा बनाना द्वितीय उद्योग है, जबकि कपास को उगाना प्राथमिक उद्योग है, तो क्लासिफिकेशन दूसरा हो गया। अब यहाँ पर तीसरा, अब तृतीय वर्ग की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जिससे लोग जो काम करते हैं अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो तृतीय वर्ग में क्या क्या आता है? व्यापार आता है, सर्विस सेक्टर आता है, ड्राइवर्स, व्यापारी, बैंकिंग सेक्टर, जितनी भी सर्विस यानी सेवा देने वाली जितनी भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो तृतीय वर्ग में आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब एक चौथा क्लासिफिकेशन क्या है कि चौथा क्लासिफिकेशन, इसमें वो सेवाएं आती हैं जो उच्च वर्ग की होती हैं, जैसे कॉलेजेस में पढ़ाना, डिग्री कॉलेज में पढ़ाना, शिक्षा, प्रशासन करना, राजनीति में ऊंचे पदों पर रहना, तो उच्च स्तर की जो सेवाएं आती हैं, जो उच्च स्तर के क्रियाकलाप होते हैं, वो चौथी आर्थिक श्रेणी में आते हैं, आर्थिक क्रियाकलापों की चौथी श्रेणी में आते हैं, यानी फोर्थ क्लास में। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास, फोर्थ क्लास में उच्च श्रेणी की सेवाएं आती हैं। तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये करती है। तो अब जो है वो छठा वर्ग आया और उनके आर्थिक क्रियाकलापों का भैया इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये नहीं करती है, तो उन्होंने कहा क्या करती है? तो उन्होंने कहा इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है आर्थिक क्रियाकलापों का सांस्कृतिक पक्ष देखती है, इसका अध्ययन करती है और इसका वर्णन करती है। कैसे? कह रहे जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो संस्कृति पर निर्भर होते हैं, सांस्कृतिक। तो आर्थिक क्रियाकलापों का किसी क्षेत्र की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है और किसी क्षेत्र की संस्कृति का आर्थिक क्रियाकलापों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में किया जाता है। ठीक है भैया, बात भी ठीक है। तो एक अब इसमें कई पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे विकसित प्रदेश, अर्ध विकसित प्रदेश और विकासशील प्रदेश। विकसित प्रदेश, अर्ध विकसित प्रदेश और विकासशील प्रदेश, ये जो है आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं, ये संस्कृति की वजह से होते हैं। इसमें तकनीकी और विज्ञान के विकास द्वारा आर्थिक विकास का स्तर बहुत ऊंचा होता है, उनकी संस्कृति उस हिसाब से डेवलप होती है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ,
यूरोपीय देश, जापान, कनाडा, ये सब विकसित देश हैं और इनकी संस्कृति में जो है वो आर्थिक क्रियाकलाप समाहित। अब दूसरा अर्धविकसित देश आ गए, जो आधे विकसित हैं और आधे नहीं। आधे तो विकसित हो चुके हैं, आधे नहीं है, आधे में अभी विकसित विकसित होने की कगार पर या विकसित होने की राह पर चल रहे हैं। इसमें चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, न्यूजीलैंड आ जाता है, मैक्सिको आता है और भी कुछ देश आते हैं, कई देश आते हैं। अब आता है तीसरा विकासशील देश। विकासशील देश अभी विकास की प्रक्रिया में चल ही रहे हैं, अभी उनमें विकास शुरू हो रहा है। इसमें तकनीकी तथा विज्ञान का विकास धीरे धीरे हो रहा और आर्थिक दशा में भी ये बहुत पिछड़े हुए हैं, इनके पास पैसा ऐसा नहीं है। तो अफ्रीका के कई देश, दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश इसमें शामिल। आर्थिक भूगोल आर्थिक क्रियाओं और वातावरण के संबंधों का विश्लेषण करने के अलावा सांस्कृतिक पक्ष का भी विश्लेषण करती है, यानी आर्थिक क्रियाकलापों का उस संस्कृति पर और संस्कृति का आर्थिक क्रियाकलापों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब जो है अब आए हैं साथ में, उन्होंने कहा नहीं भाई आर्थिक भूगोल ये नहीं करती, तो क्या करती है अब आप बताएं। तो अब इनकी नज़र में आर्थिक भूगोल करती है कि आर्थिक दृश्य भूमियां या आर्थिक दृश्य की संकल्पना कॉन्सेप्ट होता है। आर्थिक दृश्य भूमि यानी आर्थिक दृश्य भूमि यानी जो दिखाई दे रही है, दिखाई देने वाला, क्या दिखाई दे रही है, जो दिख रहा है कि यहाँ पे आर्थिक क्रियाकलाप हो रहे हैं, इनका अध्ययन करना है। चाहे वो खेतीहर हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र में भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, जैसे खेती करना, फसलें उगाना, तो इस प्रकार की चीज़ें। और जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र होता है उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, रोड्स होती हैं, कारखाने होते हैं, पावर हाउस होते हैं, चिमनियाँ उगलती धुआं होती है, धुआं उगलती चिमनियाँ होती हैं, ये सब दृश्य भूदृश्य दिखाई देते हैं और इन सब का अध्ययन जो है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम करते हैं। कैसे? तो पृथ्वी तल पर मानव वर्गों की आर्थिक क्रियाओं के स्थापित होने से भौतिक तथा सांस्कृतिक तथ्यों का जो मिला जुला स्वरूप बनता है उसे आर्थिक भूदृश्य भूमि यानी आर्थिक भूदृश्य या दृश्य भूमि आर्थिक भूदृश्य कहते हैं, यानी इनका जो मिला जुला रूप होता है उसे आर्थिक भूदृश्य कहते हैं। भाई जहाँ पर क्या है कि फैक्ट्रीज होंगी, वहाँ पर फैक्ट्रीज होंगी तो वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, ऑफिस होंगे, रोड्स होगी और क्या कहते हैं बैंकिंग सेक्टर होगा, बीमा कंपनियाँ होंगी, बड़े बड़े स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे और उसमें काम करने वाले लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए काफ़ी स्कूल कॉलेजेस होंगे और उनके लिए रहने के मकान भी होंगे, घर भी होंगे। तो एक अलग प्रकार की एक संस्कृति बस जाती है जो दूर से जब हम पूरे एक नज़र में देखते हैं तो ये भूदृश्य कैसा दिखाई देता है, इकोनॉमिक यानी ये भूदृश्य दिखाई देता है इंडस्ट्रियल, इसमें संस्कृति भी नहीं है। अब ग्रामीण क्षेत्र में जाओ तो ग्रामीण क्षेत्र में एक जगह मकान बने होंगे गांव में, उनके दूर दूर खेत होंगे, कहीं खेत में जुताई चल रही होगी, कहीं फसलें खड़ी होंगी, कहीं कटाई चल रही होगी, तो ये अलग भूदृश्य है। तो कम्युनिटी के यानी संस्कृति के साथ मिक्स करके जो भूदृश्य दिखाई देता है उसको हम आर्थिक भूदृश्य कहते हैं। और इस भूदृश्य की जो है स्टडी हम यानी उस भूदृश्य की पढ़ाई
क्या करते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं और उसका वर्णन करते हैं। तो अब आठवें लोग आए, उन्होंने कहा आर्थिक भूगोल में ये नहीं होता है, क्या होता है तो आप ही बताओ आर्थिक भूगोल में क्या होता है। तो उन्होंने कहा आर्थिक भूदृश्यों द्वारा आर्थिक उन्नति के स्तर का प्रदर्शन होता है। यानी आर्थिक भूगोल में हम क्या करते हैं कि आर्थिक भूदृश्य को देखते हैं और आर्थिक उस आर्थिक भूदृश्य से उस क्षेत्र ने कितनी उन्नति की है उसका हम वर्णन करते हैं। अच्छा, उसका वर्णन करते हैं, वो कितनी उन्नति की उसका वर्णन करते हैं और अध्ययन करते हैं और वर्णन करते हैं। अच्छा, ये बात भी सही है। और तो अब इसमें आते हैं नौवें लोग, वो कहते हैं ये नहीं होती आर्थिक भूगोल। तो क्या होती है, क्या करते हैं आर्थिक भूगोल? तो आर्थिक भूगोल में स्थानीय संगठन, हम स्थानीय संगठन की व्याख्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और व्याख्या करते हैं। किसी क्षेत्र में जो क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र से जो रॉ मटेरियल मिलता है उसको शहरी क्षेत्र में लाते हैं, शहरी क्षेत्र में उसे फिनिश्ड मटेरियल में उसको द्वितीय श्रेणी के क्रियाकलाप में, क्रियाकलापों द्वारा उसे एक प्रोडक्ट में बदलते हैं, एक वस्तु में बदलते हैं। जैसे आयरन ओर को, कच्चे लोहे को, यानी आयरन ओर को क्या करते हैं, हम मिट्टी में से अलग करते हैं लोहे को, लोहे से निकाल कर फिर हम उसकी चादरें बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, कई तरह के, फिर स्टील से, फिर हम उस स्टील से बर्तन बनाते हैं, अलमारी बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, सरिये बनाते हैं। तो कहाँ से, कच्चे, तो वो ग्रामीण क्षेत्र से हो रहा है, प्राइमरी एक्टिविटी से हो रहा है, प्राइमरी एक्टिविटी से फिर सेकेंडरी एक्टिविटी में आया है, सेकेंडरी एक्टिविटी से हमने प्रोडक्ट लिया है, अब उस प्रोडक्ट को कहीं और ले जाना ले आना है तो तीसरी एक्टिविटी में हो गया, उसमें खरीद फरोख होगी, दुकानदार सामान खरीदेगा फिर बेचेगा, तो तृतीय एक्टिविटी हो गई। अब इसको नियंत्रित करने के लिए चौथी एक्टिविटी की भी ज़रूरत है कि ऊपर जो अधिकारी बैठा होगा, प्रशासनिक अधिकारी बैठा होगा, वो तृतीय चौथी एक्टिविटी करेगा। तो इन सब का मिला जुला एक पूरा संगठन होता है। इस संगठन, पूरे एक संगठन की हम क्या करते हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो एक संगठनिक इकाई बन गई। इस संगठनिक इकाई की हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इस इकाई का हम अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद इसका वर्णन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं, ये हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं भाई दसवें लोग, दसवें लोग आए, उन्होंने कहा प्रादेशिक अध्ययन तो हम इसमें करते हैं, उन्होंने कहा आप ये नहीं करते इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत प्रादेशिक आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है, प्रादेशिक आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत, बताओ कैसे किया जाता है। तो उन्होंने कहा प्रादेशिक अध्ययन, यानी हम पहले पृथ्वी के जो हैं, पृथ्वी की सतह को कई पार्ट्स में बांटते हैं, चाहे वो भौगोलिक रूप में हो चाहे वो आर्थिक रूप में हो। जिस क्षेत्र में एक जैसी भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं वो एक भौगोलिक क्षेत्र प्रदेश कहलाता है, और जिस क्षेत्र में एक जैसी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो एक इकोनॉमिकल रीजन यानी प्रदेश कहलाता है। और इस इकोनॉमिकल, एक प्रदेश की आर्थिक, यानी जो जो प्रदेश बन, जो हमने बनाया है, चाहे वो भौगोलिक हो चाहे इकोनॉमिक हो, जब इस क्षेत्र ने कितना विकास किया, किस वजह से किया, क्या परिस्थितियां इसमें पाई गई, क्या मिनरल्स पाए गए, क्या इसमें एक्टिविटी हुई, और भौगोलिक परिस्थितियों ने क्या इसमें अपना योगदान दिया इसके विकास में, इस क्षेत्र के विकास में, इसका अध्ययन हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। ये विचार हो गया, ठीक है, इसका ये धारणा हो गई, इनका एक अपनी धारणा थी, अलग थी कॉन्सेप्ट था इनका। अब आए हैं ग्यारहवें लोग, उन्होंने कहा ये तो यार बेकार की बात है, ये तो ये नहीं होता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, तो ये होता है कि आर्थिक विकास का नियोजन होता है। अब ग्यारहवें लोग कह रहे हैं यार आर्थिक
पास का नियोजन होता है, कैसे होता है बताओ जरा। तो उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास यानी किसी भी देश या प्रदेश या भौगोलिक प्रदेश रीजन का आर्थिक विकास, उसमें क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, उसकी भौगोलिक यानी ह्यूमन रिसोर्स क्या है, उसकी भौगोलिक कंडीशंस क्या है, इन सब का अध्ययन करके एक प्लानिंग की जाती है कि आने वाले समय में ये क्षेत्र कैसे तरक्की करेगा, इसमें क्या क्या काम होंगे, यहाँ के लोग क्या काम करेंगे, कैसे अपनी आजीविका को चलाएंगे। तो इस सब की प्लानिंग की जाती है और प्लानिंग करके फिर उसको अप्लाई किया जाता है, इसे अप्लाइड ज्योग्राफी भी कहते हैं। तो किसी क्षेत्र का कैसे विकास होगा आर्थिक तरीके से, आर्थिक उन्नति वो कैसे करेगा, उसमें क्रियाकलाप कैसे होंगे, वहाँ के लोग कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, इकोनॉमिक यानी इंडस्ट्रियली काम करेंगे या एग्रीकल्चर का काम करेंगे कि इंडस्ट्रियल काम करेंगे, वहाँ शहर बनेगा या गांव बनेगा, तो इन सब की प्लानिंग होती है। और इन सब की प्लानिंग करने के बाद उसका हम अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के बाद फिर हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत उसका वर्णन करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट का मतलब आप ये समझिए कि अलग अलग विचार हैं, धारणाएँ, लोगों ने अपनी एक धारणा बना ली है कि इसके अंतर्गत ये करते हैं, इसके अंतर्गत कुछ लोग आए उन्होंने कहा नहीं ये नहीं करते ये करते हैं, कुछ लोग दूसरे लोग आए उन्होंने कहा ये नहीं ये करते हैं। कहने का मतलब ये है कि 11 तरह की धारणाएं हैं, 11 धारणाएं हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, यानी 11 लोग ये बताते हैं अलग अलग कि ये काम हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। जबकि अगर हम पूरे ओवरऑल एक बार में देखें तो ये सारे 11